हिंदू धर्म की किताबें रखने से चिढ़े मजहबी मुसलमानों ने जलाई धर्म निरपेक्ष मुसलमान की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के मालिक इशाक ने बड़ी मेहनत से जुटाई थी 11,000 पुस्तकें, सब हुई राख। आरोपी सैयद नसीर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। TFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे मजहबी मुसलमानों ने धर्म निरपेक्ष मुसलमान के लाइब्रेरी को केवल इसलिए जला दिया क्योंकि उसने हिंदू धर्म की किताबें रखी थी। कट्टरपंथियों की एक आदत होती है कि वो कभी अपने धर्म के लोगों को प्रगति के रास्ते पर चलने नहीं देते। यदि कोई मेहनत से सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ प्रगति के रास्ते खोलता भी है तो कट्टरपंथी उसे विपदा में झोंक देते हैं। कर्नाटक के मैसूर की एक मुस्लिम कन्नड़ लाइब्रेरी में केवल इसलिए आग लगा दी गई क्योंकि उस लाइब्रेरी में गीता के साथ ही हिंदू समुदाय की अन्य धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई थी। वहीं इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले अल्पसंख्यक शख्स सैयद नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि इस घटना का मुख्य जिम्मेदार है। मैसूर में कन्नड़ लाइब्रेरी को सफाई कर्मी इशाक ने मेहनत की कमाई से बनवाया था। इस लाइब्रेरी में करीब 11,000 किताबें एकत्र हो गई थी। वहीं लाइब्रेरी के स्टोरेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन अचानक उसमें आग लगा दी गई और सब कुछ राख हो गया। इस मामले में पहले खबरें थी कि कुछ उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया था लेकिन अब इस पूरे प्रकरण की असल वजह सामने आ रही है। द हिंदू की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सैयद नसीर नाम के शख्स ने ही इस लाइब्रेरी में आग लगाई थी और इसके पीछे बड़ी वजह कट्टरपंथ है। पुलिस के मुताबिक सैयद नसीर ने ही मुस्लिम लाइब्रेरी में आग लगाई थी। इस शख्स ने बीड़ी जलाने के दौरान ही माचिस की तिल्ली जानबूझकर लाइब्रेरी में गिराई जिससे आग लग गई और पूरी लाइब्रेरी खाक हो गई। इस मामले में CCTV फुटेज साफ इशारा कर रही है कि नसीर ने लाइब्रेरी के फर्नीचर की तरफ ही माचिस जलाकर फेंकी थी। वहीं इस मामले में लाइब्रेरी के मालिक इशाक ने उदयगिरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हुए बताया कि 11,000 पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया गया है। इशाक ने बताया है कि जली हुई पुस्तकों में धार्मिक पुस्तकें भी शामिल थी जिनमें कुरान, बाइबल, गीता और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ भी थे। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा के प्रति कुछ लोगों में नफरत थी और लाइब्रेरी के जरिए वो कन्नड़ भाषा का प्रचार कर रहे थे, इसलिए इस लाइब्रेरी को कुछ लोगों ने निशाना बनाया है। इसके इतर अधिकतर मीडिया संस्थानों ने सारा ध्यान गीता पर ही केंद्रित रखा था क्योंकि इससे वे ये सब साबित करना चाहते थे कि हिंदू कट्टरपंथियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत थी। अब अल्पसंख्यक समुदाय के ही शख्स का इस लाइब्रेरी में आग लगाना दिखाता है कि इस लाइब्रेरी को निशाना तो कट्टरपंथियों ने ही बनाया है लेकिन वो बहुसंख्यक समाज से नहीं था। लगभग सभी मीडिया संस्थान ये साबित करने की कोशिश में थे कि किसी हिंदू कट्टरपंथी संगठन के लोगों ने इस तरह की आपत्तिजनक घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अब तो इस मुद्दे पर इन सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई है क्योंकि ये घटना किसी हिंदू संगठन या व्यक्ति ने नहीं की बल्कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा ही अंजाम दी गई है। साथ ही इस आरोपी शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर कुछ दिनों पहले तक जो लोग सांकेतिक रूप से बहुसंख्यक समाज पर हमला बोल रहे थे, आरोपी सैयद नसीर की गिरफ्तारी के बाद उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। यकीनन इशाक नाम का वो शख्स अपनी मेहनत की कमाई से लाइब्रेरी बनाकर लोगों को ज्ञान देना चाहता था लेकिन इशाक के समुदाय के लोगों का लाइब्रेरी में आग लगाना दिखाता है कि ये लाइब्रेरी इस्लामिक कट्टरता के कारण ही जलाई गई थी। इस लाइब्रेरी में हिंदू समुदाय की पवित्र पुस्तकों का होना वहाँ के कट्टरपंथी लोगों को काफी वक्त से खल रहा था। यही कारण है कि इस लाइब्रेरी पर पहले भी इस तरह के हमले हुए थे।